खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट। इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस को भारत के हर वर्ग हर समुदाय ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। मुंबई के मलाड़ में जाकरिया एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा झंडा वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुंबई एडिशनल कमिश्नर राजाराम मटके साहब के हाथों ध्वज वंदन किया गया और फिर मलाड़ पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक उत्तम कामले पहुंचे, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और उनके हाथों से बच्चों को गिफ्ट का उपहार भी दिया गया। जाकरिया चैरिटेबल ट्रस्ट साल में इस तरह के कई बार मानवहित के लिए कार्य करता रहता है, तो आइए आपको ले चलते हैं जाकरिया एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का द्वारा किए गए झंडा वंदन कार्यक्रम में और क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। आपने जो 31 जनवरी आए और आप लोगों ने यहाँ पे जो जकरिया ट्रस्ट स्पेशली उन्होंने मुझे इनविटेशन भी दिया था, अभी बांगुर नगर पुलिस चौकी में भी आए थे, बोले हम ये ऐसा एक झंडा वंदन का कार्यक्रम रखा है, तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। 26 जनवरी या 15 अगस्त ये अपने राष्ट्रीय सन अपन बोलते हैं, फेस्टिवल्स है, और मुंबई पुलिस का हमेशा पब्लिक को कोऑपरेशन है। पब्लिक और पुलिस जितने नज़दीक रहेंगे उतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर क्राइम या जो भी बाकी साइबर क्राइम है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, ये सब चीज़ के लिए हम 24 आवर्स आपके लिए हाजिर है। हम हमारे तरफ से मैक्सिमम जितना भी कर सकते हैं, ये शहर के पीस और लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो हम कर रहे हैं, आपका भी कोऑपरेशन है। अब यहाँ पर मुझे बुलाया, मैं इनका बहुत धन्यवाद हूँ और आई विश यू वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लग रहा है जो सही काम करते हैं उसको सही महीने से देखा जाएगा, तो जो ट्रैफिक जो है वो पब्लिक के लिए है और रूल फॉलो करने का है पब्लिक के लिए। और वो लोगों ने रूल फॉलो करने के लिए हम पब्लिक के लिए हैं, इसी हिसाब से पब्लिक ने भी रूल फॉलो करना चाहिए। और सभी जो लोग हैं सबको बताया जाना चाहूँगा, पूरे गाड़ी से ऐसे होते और अपने मलर ऐसे होते हैं अभी ये तो अभी जो चालू होने वाला है, जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी है वही जो हमको इंस्ट्रक्शन देंगे उसी हिसाब से उसी रूल से हम करेंगे। पहले हम सबको नमस्कार करना चाहते हैं, आज हम मलाड पुलिस स्टेशन से PSI उत्तम मारुति कामले जकरिया एजुकेशन ट्रस्ट की वजह से हमारे यहाँ पे बुलाया गया और जो हमने उनका जो उपक्रम है बच्चों को एजुकेशन के लिए कुछ गिफ्ट देना,
जैसे कि हमने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका स्वच्छ अभियान है, तो जो बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर के जो झाड़ू वाले हैं वो साफ सफाई के लिए उनका भी सत्कार करना, ये आज के इसमें बहुत बड़ी बात है। तो मैं मराड़ पुलिस स्टेशन की तरफ से जकरिया एजुकेशन ट्रस्ट को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, और ऐसा ही उपक्रम वो करते रहे और ऐसी ही भावना वो रखे ताकि सब हम मिलजुल के अच्छे से आनंद ले सके। यही मेरी आज के 26 जनवरी को आप सब लोगों के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। तो हमारी पुलिस की तरफ से यही संदेश है, कोई धर्म कोई मज़हब, सब अपने लिए अच्छा मायना रखते हैं। अपन अच्छे दिल से, अच्छे प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से गले मिल के हर त्यौहार, हर राष्ट्रीय त्यौहार अपन मिलजुल के करें, ताकि इससे ही अपना लोगों को संदेश जाए कि हम सब एक हैं। कल से मुंबई की नाइट लाइफ चालू होने वाली है, क्या मुंबई पुलिस के लिए अतिरिक्त कार्यभार हो जाएगा? ये महाराष्ट्र शासन का निर्णय है, हमारा काम है जो हमें आदेश आए वो करना। पहले तो मैं सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ, और ये पिछले हम लोग जो है 15 साल से करते आ रहे हैं, हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को हम किसी नेता को बुलाते नहीं है, बल्कि हमारे विभाग के पुलिस वालों को बुलाते हैं, जिनकी वजह से आज हम जो है अपना धंधा कर पाते, कारोबार घरों में अपने सुख शांति सोते हैं। तो वैसे अधिकारी, वैसे पुलिस अधिकारी, वैसे मुंबई पुलिस के लोगों को बुला के हम यहाँ पर सत्कार सम्मान करते हैं, और के साथ के साथ केंद्र में हम जो है यहाँ पर जो गरीब बच्चे जो एजुकेशन के दर में आज एजुकेशन की कमी होने की वजह से जो है बच्चे लोग को नौकरी मिलती नहीं है, हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख के एजुकेशन में आगे बढ़े, ताकि बच्चा पढ़ता लिखता है तो अपना घर संवारता है, तो क्या नौकरी मिलती है तो घर का खर्चा चलता है, तो घर जो है पलता है उससे। तो हमारा ये कोशिश है कि हमारे देश के अंदर में जितने जो है लोग जो है शिक्षित हो, यानी बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े, इसके माध्यम से हम हर साल जो है एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और अभी भी हमने जो है बच्चों को जो है उनके एग्जामिनेशन पैड है, बच्चों को फेल पेंट कलर्स है, गेम्स है उसके अंदर में, और बाद में उनके लिए पेंसिल रबर और वो सब पूरा आइटम जो है लिखने पढ़ने का जो वही सब दिया उनको, और गेम भी दिया, 5 तरह का गेम का सेट है पूरा, ताकि बच्चा गेम खेले, पढ़ लिख के बाद में थोड़ा ज़रा फ्री हो, रिलैक्स हो, इसके गेम खेले, तो वो सब चीज़ हमने आज बच्चे लोग को गिफ्ट में दिया है। करीब कितने लोगों को आपने दिया है? अभी हम लोग ने 250 लोगों को बांटा है। और ये आज आपके कौन से सदस्य का जन्मदिन था? जैसे आज हमारे ट्रस्टी है सनी चुक, उनका जन्मदिन भी था और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी था, तो दोनों का एक साथ में सेलिब्रेशन हो गया हमारा। वो तो आपके सरकारी ट्रस्ट की खूबी है कि हर एक सदस्य का जन्मदिन और कोई ओकेजन के साथ मनाया जाता है। वो तो इत्तेफाक होता है कि भाई सबका जो है जन्मदिन ऐसा कि वो ओकेजन में आ जाता है, अच्छा है हमारे लिए, दोनों काम हो जाते हैं। अच्छा, आपने सफाई कर्मियों को भी आप इस मौके पर गिफ्ट दिया है, उनका सम्मान किया है, ये बताइए क्या कहना है? देखिए पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट जी को बुलाना चाहता हूँ कि देश के बड़े बड़े लोग को बुला के आप जो वहाँ सम्मान करते हो, देश के असर में 12,000 हकदार ये है जिनको देना चाहिए। आज जो हमारा ये झाड़ू वाला जो साफ करता है कि हमारी गंदगी नालियाँ, हमारी गंदगी साफ करता है, उनका हक बनता है। आज स्वच्छ भारत अभियान आपने चलाया, बड़ा बात है, पर स्वच्छ भारत अभियान के अंदर में ऐसे लोगों का सत्कार करो, ऐसे लोगों को बुला के दिल्ली में उनको जो है उनको जो है सम्मान किया जाए, ताकि जो है देश से आगे बढ़े, उनको भी एक हौसला मिलता है कि भाई हम गरीब का भी तो सत्कार हुआ कहीं पर। आज बड़े बड़े लोग को बुला के जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, ऐसे लोगों को बुला के उनको जो है भारत रत्न अवार्ड और इनको ये अवार्ड वो अवार्ड दिया जाता है। मैं तो बोलता हूँ ऐसे लोग का हक, उनका हक नहीं है, बल्कि हक तो इनका है असल में, जो हमारे मुंबई पुलिस के कर्मचारी है उनका हक है, हमारे जो सफाई कामदार उनका हक है, हमारे जो पोस्टमैन है आके जो है उनका हक है, ऐसे गरीब लोगों का हक है पहला, तो उनको बुला के जो है इनको सम्मान किया जाना।